हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं ब्लैक एंड वाइट, आपको मेरा रबर बैंड दिख रहा होगा, ब्लैक एंड वाइट बन के जा रही हूँ नीरवा। आज हम केदी जा रहे हैं, केदी वाले रेस्ट हाउस। वहाँ पे जो हमारे DFO सर है, उन्होंने पार्टी रखी है कुछ रिटायरी आरोज के लिए। तो बस आप लोगों के लिए व्लॉग कर रही हूँ, व्लॉग में बने रहिए। सो मैं नीरवा पहुँच गई थी और अब हम यहाँ से आगे क्यों निकल गए केदी के लिए, और आंचल ने भी हमारे साथ ज्वाइन कर लिया है। हमारे साथ में अभी तो फिलहाल मेरे साथ और यहाँ पे फंक्शन स्टार्ट हो चुका है। चलो अब चलते हैं, हम थोड़े लेट हो गए। श्री विपुल लाल चौहान, डिप्टी रेंजर। और इधर बैठे हमारे सारे रिटायरी जो सर के टाइम थे और फिर रिटायर हो गए थे, तो सर ने उनके लिए ये पार्टी रखी है। जिन्होंने की तहसील चौपाल नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि डिस्ट्रिक्ट शिमला स्टेट की बात तो मैं नहीं कर सकता, जिन्होंने कि ये पहला ये इतिहास रचा और ये हर डिपार्टमेंट ये इस तरह भी एक रिटायर्ड आदमी को सम्मानित करना है, याद करना पड़ता है। इसके साथ नमस्ते जी, कोई नहीं दे रहे नहीं चाहिए, सबका धन्यवाद करता हूँ कि भाई हमें भी इस तरह से याद किया जाएगा। लेकिन हमने जब टेलीफोनिकली दिए प्रसाद ने खुद हमको बात की हमसे, तो हमें एक बहुत बड़ा झटका जैसा लगा। हमने महसूस किया कि देखो हमारे अफसर जो ना आज तक भी बहुत देखे, हमने भी, मेरा अपना एक्सपीरियंस है 34 साल की नौकरी में कि मैंने भी कुछ 11 DFO देखे। रिस्पेक्टिव JS डोटा जी, ऑल रेंज ऑफिसर्स, चौपाल फॉरेस्ट डिविजन, DOs, लीड गार्ड्स, एबल ऑफिशियल स्टाफ फॉरेस्ट डिविजन चौपाल, फर्स्ट ऑफ ऑल डोटा जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हम रिटायरियों को इतना सम्मान दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ना आज तक हुआ, ना हमने कभी इस तरह का वो हुआ, ये पहली शुरुआत है, इसके लिए इनका बार बार धन्यवाद। यहाँ पे सभी रिटायरी ने मतलब सर के इस इनिशिएट को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया कि इस तरह का एक्टिविटी मतलब इस तरह का फंक्शन रखा जाए, और पहली बार ऐसा हुआ है, इनको अच्छा लगा, मतलब इस तरह से इनको वापस बुलाया गया। कहूँगा कि आप लोग बहुत भाग्यशाली है कि जिन्हें चौपाल फॉरेस्ट डिवीजन में सर्विस करने का मौका मिल रहा है। चौपाल फॉरेस्ट डिवीजन इज ए वन ऑफ द बेस्ट एंड मतलब इसके देवदार है, पर्टिकुलरली देया और खोड़ा, गिनीज बुक में दर्ज है, ये चौपाल डिवीजन की स्पेस जो है देवदार की दर्ज है। चौपाल विजय जी और बाकी रिटायर साथियों और जो स्टाफ है, आज इतनी खुशी का दिन है कि मैं बयान नहीं कर सकता शब्दों में। मैंने भी इतने DFO देखे हैं शायद लाइफ में, जितने भी रिटायर्ड है सबसे ज़्यादा मैंने 26 DFO के साथ काम किया हुआ है 40 साल में। तो कभी किसी से ऐसे वो सेवा भाव का वो नहीं, मौका नहीं मिल सका ना कभी कोई डुलटाई के साथ, तो मेरा बहुत अच्छा वो था, शायद एक दो दफ़ा हम वापस उलझ भी गए थे, पर मैं इतने रिस्पेक्ट करता हूँ कि हद से भी ज़्यादा। ऐसा कोई DFO नहीं होगा जो तीन तीन दफ़ा एक डिवीज़न में आए, क्योंकि जो काम करने वाला होगा वही आएगा, जिसकी इज्जत होगी इलाके में काम का तौर होगा। आज ये अनोखी पहल, इस अनोखी पहल में हमारे को शामिल होने का मौका मिला, इसके लिए हम दिल की गहराइयों से माननीय डॉक्टर जी का आभार प्रकट करते हैं। जो इस वक्त महकमे में है स्पेसिफिकली द यंगस्टर्स, अब आपको महसूस हुआ कि क्यों बुलाया गया इन्हें? दे स्पेल मैजिक, एक एक शब्द में जादू, एक एक शब्द में सम अट्रैक्शन। मैंने ये चीजें इनके साथ नौकरी के पल पल पग पग बिताते हुए महसूस किया है, और मैं वही सारी फीलिंग्स वापस बटोरना चाहता था, एंड दिस वाज द मेन रीजन मैंने इन लोगों को बुलाया। इट इज आल्सो अ लेसन फॉर ऑल ऑफ यू, जो खासकर यंगस्टर्स हैं, हु आर न्यू इन द डिपार्टमेंट, हैव अ लॉन्ग लॉन्ग वे टू गो इन द डिपार्टमेंट।
आप सभी लोग कृपया आपके आसपास ही अपने ही इलाके में ये लोग हैं, इन लोगों से मिलिए, जाइए, परस्पर संबंध बनाइए एंड लर्न गुड थिंग्स फ्रॉम देम। ऐसे गुरु मिलने बहुत कठिन है। मैंने पहले भी कहा, आई वुड रियली लाइक टू राइट अ कि मैंने जो कुछ भी सीखा है मैं करता हूँ, और जो मैं अपना प्रतिबिंब देखता हूँ अपनी आंखों से, तो वो सब कुछ कहीं ना कहीं इन सभी लोगों के कोई ना कोई गुण मुझे अपने अंदर दिखते हैं। फाइनली हम लोग अब इस मुकाम पे आ गए हैं कि हम लोग अब लंच की तरफ प्रस्थान करेंगे, पर उससे पहले एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले वेलकम मैंने दिया था, और अब जो मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, इस समय के बीच में जो एक्सपीरियंसेस आप लोगों ने हमें दिए, नॉट ओनली मी, मेरा जो स्टाफ है यहाँ पे रेंज ऑफिस निरवा का और डिवीजन का स्टाफ भी है, मैं समझता हूँ बहुत ही शानदार एक्सपीरियंसेस हमने आप लोगों के थ्रू जो है अपने अंदर इनकल्केट कर दिए, और मैंने तो कर दिए है, वो फुली मेरे सारे स्टाफ ने कर दिए हैं। मेरा स्टाफ काफी डेडिकेटेड है यहाँ पे, रिजल्ट तो शायद अब आप लोगों से बढ़िया कोई नहीं बता सकता, और जितना हमसे 2-3 साल में यहाँ पे हुआ मेरे टीम के साथ, हमने बहुत सारे इंटरवेंशन में उसमें थोड़ा सा, अगर साहब अलाउ करें तो मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ, और अपने स्टाफ को तो वैसे पता ही है जो इंटरवेंशन एज ए रेंज ऑफिसर मैं कर सकता था, और जो इंटरवेंशन एज ए गार्ड ब्लॉक ऑफिसर मेरा स्टाफ कर रहा है। हमें जो करनी है कि आप लोगों की जो सोशल फैंस है लोगों की, वो बहुत जरूरी है, लोगों की हेल्प हमें चाहिए। अनलेस अंटिल लोग हेल्प नहीं करेंगे, हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हमारा सारा किया धरा मलियामेट हो जाएगा। वो मैं देख भी रहा हूँ 2 साल से, बहुत मेहनत करते हैं, अल्टीमेटली आग लग जाती है या चोरी हो जाती है। हमने तो FIR की करने की कोशिश की, फिर उसमें भी फिर थोड़ा मतलब मैसेज तो चलो चला जाता है पर लोग समझते नहीं है। तो आपके जरिए मैं ये चाहूंगा कि आप लोग इस मैसेज को यहाँ से लेके जाए, आप लोग डिफरेंट पार्ट के HFR डिवीजन के, कि सपोर्ट करें, कोऑपरेट करें महकमे को जी, तभी कुछ हो पाएगा महकमे का, और हम पूरी आपको भरपूर कोशिश करेंगे, और आपको आश्वासन देते हैं कि आने वाले 5 सालों में और जो हमारा टेन्योर मिलके हम सबका रहेगा, हम कोशिश करें कि अपने डिवीजन को ऊंचाइयों की तरफ ले जाए, और हमेशा हम ये करके दिखाएंगे। आप लोग जब अगली बार नहीं लाइक होंगे तो और कुछ नए एक्सपीरियंसेस, नए काम लेके आप लोग के सामने प्रस्तुत करेंगे। इन लोगों का मिलाप अब हो रहा है, और ये हमारे यहाँ पे स्टेज संभाल के फ्री होगी लड़की। हेलो होस्ट रेंज, होस्ट रेंज कम ऑन, है तो है पर वो कभी बंद होता है। ठीक है, बस बस सही अच्छा सामान लग रहा है, मेरे को कोई परहेज नहीं है। नहीं बस बस मेरे को मत डाल, अच्छा है वैसे लड़की। ये लोग लेट लतीफ बेचारे, इनको पानी मिल रहा है और हम तो खाना खा के भी फ्री हो गए। ये तो स्पेशल लंच करने ही आए, बाकी हाँ सेवा कर रही हूँ। और ये मेरे सहपाठी जो कि अभी तो खाना ही खा रहे हैं बेचारे। जी देखो यहाँ पे नर्सरी में बड़े बड़े देवदार के प्लांट्स भी है, और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं। ये है यहाँ पे नर्सरी, बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा कंपाउंड है। ये तो मैं एक साइड की दिखा रही हूँ आपको, पीछे वाली साइड की, पर सामने को भी बहुत अच्छा है, शेड हाउस है और पॉली हाउस वगैरह बने हैं। काफ़ी बड़ी नर्सरी है केदी की। मैं तो लेट हो गई थी, पर इन सब लोगों को, रिटायरीज को इस तरह के मोमेंटो प्रेजेंट करे सर ने। और ये हमारे सर का है, बट सर किसी कारण से आ नहीं पाए क्योंकि वो बीमार चल रहे हैं आजकल, तो यस ये उनके लिए है। इनको देखो सोना भी सोना है, शूज़ भी उतारने नहीं है। एक ने तो उतार दिया, बढ़िया रिलैक्स कर रही है एक तो बेचारी। मेरे को भी बहुत थकान फील हो रही है, मैं तो यहीं बैठी हूँ सोफे पे। मेरी बात नहीं हुई, मैंने ना, मैं बहुत परेशान रही हूँ। वीडियो कॉल करो फिर लो हमारी फोटो। अच्छा इस लड़की की गप्पे सुनना कैसे पछली हुई है सर के साथ। सर का तो ये है, सर का तो बस आपके लिए नहीं है।
तो हमारे पास आ रहे हैं बमटा से, बमटा के एफटीयू कोऑर्डिनेटर आंचल जस्टा, जिनको सम्मानित किया जाएगा रेखा मेहता द्वारा। रेखा मेहता एफटीयू को यहाँ पे किसी और को सम्मानित कर दिया गया है एफटीयू से, और हमारी गेस्ट लाल लाल हो गई है मारे, और गैस ने खुद ही अपने लिए एक टोपी ले ली कि मैं खुद ही बाय बाय। ये है केदी का रेस्ट हाउस, और ये है सुंदर सुंदर ट्रीज। यहाँ पे आप लोगों को पक्षियों की आवाज़ भी आ रही होगी। हम लोग चल पड़े यहाँ से वापस। ये है यहाँ पे पॉली हाउस, जहाँ पे अंदर छोटे छोटे प्लांट्स दिख रहे होंगे आपको, ग्रीन ग्रीन छोटे छोटे से प्लांट्स भी जो है। और यहाँ से आगे की ओर देख लो कितना अच्छा ग्रीन ग्रीन, यहाँ पे भी बहुत सारे पेड़ है, पता नहीं कौन कौन सी स्पीशीज़ है, मेरे को इतना नहीं पता, पर हाँ ये जो है इस साइड को लगे हुए रोड की साइड को वो देवदार है। ये ब्रॉड लीव होने कोई, जैसे चुल्ली तो मेरे को पता है चुल्ली है। हम तो जा रहे हैं यार, जा तो ये जो फंक्शन था इसकी शुरुआत DFO सर ने ही करी है। इससे पहले मतलब कभी भी ऐसे नहीं होता था कि जो ऐसे रिटायरीज को बुला के इस तरह से उन लोगों को सम्मानित किया जाता था, तो सर ने इसकी शुरुआत करी और सर ने इस फंक्शन का नाम रखा है लेगेसी ऑफ द वुड्स, मतलब जंगल की विरासत। तो जब मैं तो वहाँ से थोड़ा जल्दी निकल गई थी, उसके बाद सर वगैरह ने बहुत ज़्यादा इंजॉय करा है, डांस करा है, मतलब खुद से गाने वगैरह गा के, ऐसे नहीं कि मतलब DJ वाला सॉन्ग नहीं है। तो मैंने वो वीडियो लगा दिया है, तो आप भी उसको इंजॉय करो। चलते हैं यहाँ से वापस। लो जी, अब ये देखना था, यहाँ पे गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है और उबाले मार रही है, तो अब यहाँ पे गाड़ी को तो ठंडा होने के लिए वेट करना पड़ा। गाड़ी होगी यहाँ पे ख़राब, हमने कब तक पहुँचना है। ये सामने दिख रहे हमारे घर, और ये ऊपर जहाँ पे जा लिया है ये चौपाल है, मतलब चौपाल के नीचे नीचे वाले बगीचे। और वहाँ पे एक घंटा वेट करने के बाद मुझे मिली घर के लिए, घर तक की लिफ्ट। तो हमारी गाड़ी जैसे कि रास्ते में ख़राब हो गई थी, तो वहाँ पे काफ़ी देर वेट किया, मतलब मेरे को तो ना नींद ही आ गई थी, इतनी थक गई थी मैं बहुत ही अजीब। फिर उसके बाद मेरे को लिफ्ट मिल गई थी, फिर मैं वहाँ से आ गई, अभी घर को जा रही हूँ ऊपर।
एज यूजुअल रोज वाले रास्ते से। आपने ये रास्ता देखा ही होगा और मैक्सिमम टाइम मैं इधर ही अपने ब्लॉग को एंड कर देती हूँ। तो हाँ, हमेशा की तरह इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। आप लोगों को मेरी आवाज़ सही लग रहा हूँ, मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ। तो हाँ, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।